मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो तांबे के लोटे को प्राचीन और सुपर पावर युक्त बताकर व्यापारियों, नेताओं और अभिनेताओं को ठगता था। अब तक ये गैंग कईयों को करोड़ों का चूना लगा चुका है। तांबे के इस लोटे को साधारण समझने की गलती बिल्कुल न करें। ये वही लोटा है जिसके चुंबकीय चमत्कार के दावे पर एक कारोबारी लुट गया। इसी लोटे को सुपर पावर और साइंटिफिक बताकर ठगों ने एक बिजनेसमैन को करीब 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। तीनों आरोपी को अरेस्ट किया गया है, उसके साथ में उनके कब्जे से कुछ दस्तावेज भी हमने जब्त किए हैं, जो जिस दस्तावेज के माध्यम से फिरियादी या फिर पीड़ित व्यक्ति को दिखा के लोगों को ठगा जा रहा था। अब ये जादुई लोटा पुलिस के हाथ लग चुका है और इसे चमत्कारिक बताकर चूना लगाने वाले भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही तीनों ठग हैं जिन्होंने लोटे को जादुई बताकर कईयों को अपने जाल में फंसाया। आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर कैसे ये आरोपी लोगों को चूना लगाते थे। तांबे के लोटे को प्राचीन और सुपर पावर वाला बताते थे, भरोसा दिलाते थे कि नासा और DRDO में इस लोटे का इस्तेमाल होता है। भरोसा दिलाने के लिए BARC का फर्जी सर्टिफिकेट दिखाते थे, फर्जी साइंटिस्ट से भी लोगों को मिलवाते थे। दावा करते थे कि लोटा चावल के दाने को अपनी तरफ खींचता है। इस तरह का राइस पुडिंग का टेस्टिंग किया गया हुआ BARC का एक टेस्टिंग दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है, साथ में एक लोटा भी मिला है जिसका उपयोग वह विक्टिम को ठगने के लिए कर रहे थे। सूत्रों पर यकीन करें तो इन ठगों ने कई अभिनेताओं और नेताओं तक को ठगा है। हालांकि पुलिस को अब तक ऐसी शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस अब इन ठगों के हाथों लुटे हुए लोगों की छानबीन करने में जुटी हुई है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।